माननीय विधि एवं न्याय मंत्री और पूर्व में खेल मंत्री रहे आदरणीय श्री किरण रिजिजू जी, युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्य मंत्री श्री निशेष प्रमाणिक जी, खेल फेडरेशन अधिकारी एवं प्रतिनिधि, खिलाड़ी मित्रों और देश भर से जुड़े हुए खिलाड़ियों के परिजन, भाई और बहनों, मैं यूथ अफेयर्स और खेल मंत्रालय की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सहर्ष स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने हर परिस्थिति में हमेशा देश का मार्गदर्शन किया है और आज भी विशेष रूप से टोक्यो ओलंपिक में जा रहे हमारे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने, उनका मार्गदर्शन करने और आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपका विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की जिम्मेदारी दी है। मैं यहां पर उपस्थित सभी ऑफिशियल्स, कोच स्टाफ, स्पोर्ट्स स्टाफ को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे खिलाड़ियों की तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ी, जिसके बलबूते हमारे यहाँ प्रतिभावान प्लेयर्स टोक्यो ओलंपिक्स में देश का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। आपके आदेश पर खेल मंत्रालय ने किसी तरह की कोई कमी खिलाड़ियों की सुविधा में नहीं रखी है। टॉप स्कीम से लेकर डीजीसीआई से लेकर खेल मंत्रालय ने हर तरह से प्रयास किया है कि हमारे खिलाड़ियों को सुविधाएं मिले। माननीय प्रधानमंत्री जी, खेल एक ऐसा क्षेत्र है जो बिना किसी भेदभाव, जाति, धर्म, समुदाय के बंधन के 130 करोड़ भारतीयों को एकता के सूत्र से जोड़ता है। देश के 22 राज्यों से 18 खेलों के 126 एथलीट्स टोक्यो ओलंपिक्स में 130 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी खेल के प्रति अभिरुचि, खेलों को बढ़ावा देने की आपकी कार्यशैली, आपके द्वारा खिलाड़ियों को दिया गया प्रोत्साहन हमेशा सराहनीय और प्रेरणादायक रहा है। कोरोना महामारी जैसी विषम परिस्थितियों के दौरान भी आपने खिलाड़ियों का मनोबल नहीं गिरने दिया और समय समय पर आपने खिलाड़ियों से वार्तालाप करके उनका मार्गदर्शन भी किया है और उन्हें जोश से सरोवार भी किया है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हाल ही में आपने समस्त देशवासियों से टोक्यो ओलंपिक्स जाने वाले खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए चीयर फॉर इंडिया का आह्वान भी किया था। और मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, देश भर के कोने कोने, लेह लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, लोग सेल्फीज भी खींच रहे हैं, डाल भी रहे हैं, खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ा रहे हैं। और आज जब आप इस कार्यक्रम के माध्यम से शुरुआत करेंगे, कल से पूरे देश के लोग हमारे ओलंपिक खिलाड़ियों को अपना आशीर्वाद, योगदान, सहयोग देने के लिए और चीयर करने के लिए एकजुट हो जाएंगे। आपके ही इस प्रयासों की वजह से समस्त भारत में ओलंपिक्स के प्रति जागरूकता एवं लगाव और बढ़ गया है। मैं मानता हूं कि आपके कुशल नेतृत्व से हमारे खिलाड़ी अपना परचम लहराने और देश को मेडल दिलाने में जरूर कामयाब होंगे और इस ओलंपिक्स में हमारे खिलाड़ी अपना सर्वोच्च प्रदर्शन करेंगे। मैं अंत में इतना ही कहूंगा, सभी खिलाड़ी भाई और बहनों को, जब आप जा रहे हैं तो देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी आपसे बात करके आपका मनोबल बढ़ा रहे हैं। एक ही संदेश देना चाहता हूं, साथ तुम्हारे पूरा देश, बस तुम आगे बढ़ते जाना, भारत माँ का यही संदेश टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीत कराना। एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, धन्यवाद, और सभी खेल संघों का और सभी खिलाड़ियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।